हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम फादर जोमिस और आज हम आए हैं कुतुब मीनार देखने के लिए। और अभी टिकट लेने के लिए फादर अजीश वहां पे गए हैं और टिकट लेके यहां पे अभी आ रहे हैं वो। यहां पे फादर अजीश से हाय। और ये टिकट देख सकते हैं, शो द टिकट। ये है टिकट, 40 रुपीज़ पर हेड। फ्री में तो एंट्री नहीं है वैसे, 40 रुपीज़ का ऐसा रहता है ये टिकट। और इसको जाके वहाँ पे दिखाना पड़ता है। कुतुब मीनार का हाइट जो है वो है 72.5 मीटर, यानी 238 फीट, उतना लंबा है वो। और अभी हम वहाँ पे एंट्री करेंगे। टिकट तो हमने ले लिया है 40 रुपीज़ पर हेड। तो ये है टिकट और ये यहाँ पे ऐसा डालना पड़ता है एंट्री करने के लिए। और ओपन हो गया, एंट्री हो गई है। और ये है कुतुब मीनार जो देख सकते हैं। अभी हम अंदर वहीं पे जा रहे हैं। ये है यहाँ पे इसका मैप दिल्ली का और यहाँ पे दिया गया ये है कुतुब मीनार। यहाँ पे है अलाई मीनार, अलाउद्दीन टूम, ऐसे बहुत सारे हैं। कुछ इस तरह से है यहाँ पे देखने लायक। और अभी हम जाते हैं यहाँ पे, ये है अलाइन मीनार। दोस्तों, यह अधूरी मीनार अलाइन मीनार के नाम से जाना जाता है और इसके निर्माण की शुरुआत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और उनका इरादा कुतुब मीनार से दुगने विशाल आकार में बनाने का था, लेकिन जब निर्माण कार्य प्रगति पर था उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार वह इसकी पहली मंजिल भी पूरी ना कर सके। फिर उसके किसी भी उत्तराधिकारी ने इस निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। तो ये है अलाइन मीनार। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से ये सब बनाया गया है, लेकिन काम पूरा हुआ नहीं, उसके पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जगह है आके एक बार देखने के लिए। यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पास में ही है और इसीलिए देख सकते हैं कि कितना फ्लाइट्स यहाँ से पार हो रहा है। हर 3-4 मिनट में फ्लाइट ऐसे जाते हुए देख सकते हैं यहाँ पे। ये है खलजी का मदरसा और यहाँ पे खलजी का मकबरा भी है। ये यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हैं यहाँ पे कुतुब मीनार का। ये है पूरा व्यू। ऐसा है इसके अंदर में। यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे क्या था, लेकिन काफ़ी अच्छा, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है और अलग ही एकदम स्मेल कर रहा है यहाँ पूरा। हाँ, पे भी है ऐसा, बहुत सारे हैं और ऐसे ऐसे जगह हैं। अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर में। बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे फोटो वगैरह खींचने के लिए भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं। और अभी देखिए इसके अंदर में पूरा ऐसा है यहाँ पे। और अभी हम जाएंगे कुतुब मीनार के पास में, जस्ट वो जो दिख रहा है वहाँ पे जाना है अभी। अभी एक कुछ नया ही एंगल में वीडियो निकाल के देखता हूँ मैं। और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा एक एंगल है और इस तरह से अगर अंदर जाके दुख लग रहा है ऐसा वीडियो निकाल के। और है ऐसा और अलग वे में, थोड़ा सा उसको जूम करके देखते हैं कहाँ तक इसका जूमिंग पकड़ता है। और ये और यहाँ पे कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देख सकते हैं सब फोटो निकाल रहे हैं यहाँ पे भी। यहाँ का हर एक स्टोन में जो वर्क किया गया है बहुत ही प्यारा है वो देखने के लिए।
और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। कुतुब मीनार देख लिए हैं और अभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, देखते हैं अब कहाँ जा सकते हैं। काफ़ी धूप है यहाँ पे दिल्ली में और मौसम तो अच्छा है लेकिन गर्मी भी है थोड़ा, क्योंकि पानी का मौसम बना हुआ है। और राजेश भी यहाँ पे थक गया है वैसे। और एक अच्छी बात यह है कि नागपुर से बहुत सस्ता है यहाँ पे पेट्रोल का दाम। मैं जब आज यहाँ पे बाइक में पेट्रोल डाला, ओनली 96 रुपीज़ 1 लीटर, नागपुर में शायद 110 रुपीज़ है शायद से। और हम यहाँ से एक्सिट हो रहे हैं, ओके। और ये हो गए यहाँ से एक्सिट, जो टिकट लिए थे यहाँ पे देना पड़ता है, और यहाँ से वापस निकल गए हैं। थक गए हैं धूप से और थोड़ा सा लेमन जूस पीने के लिए फादर आशीष और मैं यहाँ पे, और हमारे लिए लेमन जूस रेडी हो रहा है, हम बना रहे हैं भैया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जूस रेडी। वाओ, बहुत बढ़िया। अभी हम पहुँच गए हैं लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल में अभी एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, और यहाँ से एंट्री हो रही है लोटस टेम्पल के लिए। तो ये है लोटस टेम्पल, अभी हम वहाँ पे जाएंगे। इस लोटस टेम्पल का करीबन जो हाइट है वो है 34 मीटर, और इसमें करीबन 1300 लोग इसके अंदर समा सकते हैं। आसपास पूरा ग्रीनरी है, देख सकते हैं ऑरेंज का पेड़ है यहाँ पे। पूरा बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया गया है। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, आजीश भी वीडियो निकालते हुए वहाँ से। पूरा यहाँ का व्यू देख सकते हैं, यहाँ पूरा हरियाली है पूरा यहाँ पे। यहाँ पूरा ग्रीनरी है यहाँ, पूरा देखा जाए तो पूरा। ये है, तो ये है लोटस टेम्पल का एंट्री यहाँ पे। और यहाँ पूरा ऐसा यहाँ पे पानी वगैरह है, यहाँ पूरा ऐसा पानी है, और काफ़ी लोग भी है यहाँ पे। और ये है लोटस टेम्पल, बहुत बड़ा लाइन है, पता नहीं अंदर जाने के लिए होगा, बट ये है यहाँ का लोटस टेम्पल, देख सकते हैं। यहाँ घुसने के पहले हमें अपने शूज़ या चप्पल उतार के बैग में डालना पड़ता है, और उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। थोड़ा गाइडलाइन दिया जाता है कि अंदर जाके वहाँ पे आप लोग बैठ के प्रेयर कर सकते हैं। यहाँ पे करीबन 1300 लोग इसमें बैठ सकते हैं एक टाइम पे, और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं यहाँ बैठ के प्रेयर वगैरह करते हैं। और देख सकते हैं कि पूरा अभी खाली है, तो एक एक कुछ कुछ लोगों को अभी अंदर आने दे रहे हैं, फिर अगला राउंड बाद में उनको आने दिया जाएगा। और अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है, इसके अंदर हम जा नहीं सकते हैं, यहीं से बाहर से ही जो बेंचेस लगे हुए हैं वहीं पे बैठ के प्रेयर करने के लिए जगह है। कोई भी धर्म के लोग यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा फ्लावर्स रखे हुए हैं और लोग सब ऐसे पीछे यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ बैठ सकते हैं और भी लोग। और इसलिए बहुत साफ सुंदर रखा गया है ये जगह को, बहुत ही खूबसूरती से ये मेंटेन किया गया है। ऊपर देखिए किस तरह से ऊंचाई जो है, जो कितनी खूबसूरती से वो चीज बनाया गया है। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर, एक बार और मैं दिखाता हूँ इस पे ऊपर का जो नज़ारा है कितना खूबसूरत लगता है। ये देखिए पूरा लोटस टेम्पल, और मैं अभी यहाँ पे बाहर निकल रहा हूँ। जितने भी चप्पल है बैग अपने को वापस करना पड़ता है। और ये है यहाँ का बाहर का नज़ारा,
अभी हम यहाँ से जा रहे हैं लोटस टेम्पल जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, वापस हम निकल रहे हैं। ये 34 मीटर इसका हाइट है और करीबन 1300 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और ये जो बना हुआ है वो पूरा मार्बल का बना हुआ है, इसका जो हर एक लीव्स जो है वो पूरा सेम प्रोपोर्शनेट में बनाया गया है, हर एक लीव्स और पूरा मार्बल का है। बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पे, और अंदर आने के लिए कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है, फ्री एंट्री है यहाँ पे। बस जब उसके अंदर पहुँचेंगे तो चप्पल वगैरह उतारना पड़ता है और झोले में डाल के झोला लेके जा सकते हैं अंदर में, फिर वापस करके हम अभी बाहर आ गए हैं और हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। मैं और साथ में फादर आशीष भी है यहाँ पे। बट लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, पूरा ग्रीनरी है, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा आज का ये ब्लॉग यहाँ पे हम समाप्त करते हैं और हम अभी वापस जा रहे हैं। खाना वगैरह तो हमने खा लिया है और यहाँ पे हमने आज लोटस टेम्पल देखा और कुतुब मीनार देखा, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। और हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।